प्यारे बच्चों, ये वो क्वेश्चन है जो मैं तुम्हें करवाने जा रहा हूँ। वैसे तो डिक्टेट भी करूँगा, आप स्टिल पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम तरंगों के अध्यारोपण पर महत्वपूर्ण संख्यात्मक प्रश्न की वीडियो उपलब्ध करा रहे हैं। जिन्होंने थ्योरी की वीडियो नहीं देखी है वो प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख लीजिए। और पूरा का पूरा सिलेबस, मतलब इकाई एक से इकाई दस तक का पूरा सिलेबस वीडियो के रूप में उपलब्ध है। थ्योरी का आप प्लेलिस्ट में जाइए, वीडियो देखिए। और फिजिक्स को एक एंजॉयमेंट की तरह, मतलब एक जैसे किसी चीज को एंजॉय करते हैं, फिजिक्स के पढ़ने को भी एंजॉय कीजिए। तो हमारा वही तरीका है पढ़ाने का, क्लासरूम टीचिंग। आप क्लास में बैठे हैं, मैं न्यूमेरिकल डिक्टेट कर रहा हूं। पहला न्यूमेरिकल नोट कीजिए। एक अप्रगामी तरंग को उत्पन्न करने वाली अवयवी तरंगों के आयाम, अवयवी तरंगों के आयाम कौमा आवृत्ति व वेग क्रमशः 8 सेंटीमीटर कॉमा 30 हर्ट्स तथा 180 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड है। अप्रगामी तरंग समीकरण, अप्रगामी तरंग समीकरण लिखिए। तुम्हारा पहला प्रश्न क्या है? हमारे पहले प्रश्न में क्या क्या दिया है? उसने दिया है आयाम ए, कितना है? 8 सेंटीमीटर। फ्रीक्वेंसी आवृत्ति एन कितनी दे रखी है? 30 हर्ट्स। और वेग कितना दिया है उसने? 180 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। तो हमारे पास एक सूत्र होता है, वी इज इक्वल टू एन इंटू लेमडा। हमें लेमडा का मान चाहिए। लेमडा क्या हो जाएगा? वी अपॉन एन, 180 बटे 30 सेंटीमीटर। 0 से 0 गया, लेमडा कितना आ गया? 6 सेंटीमीटर। फिर हमें आवर्तकाल चाहिए। टी इज इक्वल टू 1/n होता है, कितना हो गया? 1/30 सेकेंड। हमारे पास समीकरण क्या होती है? अप्रगामी तरंग की समीकरण, अप्रगामी तरंग की समीकरण क्या होती है? y इज इक्वल टू, हम क्या यूज करते हैं अप्रगामी तरंग की तरंग का? 2a cos 2πx/λ sin 2π t/t। y इज इक्वल टू 2, a का मान कितना हमारा? 8। cos 2πx, लैम्डा का मान कितना हमारा? 6। sin 2π t, कैपिटल टी का मान क्या है? 1/30। कैपिटल टी का 1/30। तो वाई इज इक्वल टू 16 cos πx/3 sin 60π t। ये किसकी समीकरण मिल गई बच्चों आपको? आपको अप्रगामी तरंग की समीकरण मिल गए। ठीक है, अब हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे। बच्चों आप थ्योरी वीडियो ध्यान से देखना, सारे के सारे डेरिवेशन मैंने करा रखे हैं। ये जो समीकरण लिखी थी इसका भी हमने डेरिवेशन अप्रगामी तरंगों के बनने में समझा रखा है। ठीक है, तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोट कीजिए। दोनों सिरों से खुली, दोनों सिरों से खुली तथा
एक सिरे से खुली तथा दूसरे सिरे से बंद, तथा दूसरे सिरे से बंद। आर्गन पाइपों की लंबाई, आर्गन पाइपों की लंबाई 0.5 मीटर है, 0.5 मीटर है, फुल स्टॉप। यदि वायु में ध्वनि का वेग 350 मीटर प्रति सेकंड हो, कितना हो, 350 मीटर प्रति सेकंड हो, तो इन ऑर्गन पाइपों के मूल स्वर की आवृत्ति ज्ञात कीजिए, मूल स्वर की आवृत्ति ज्ञात कीजिए। प्रश्न दो, ये हमारी दोनों सिरों से खुले पाइप है, ये हमारी एक सिरे से बंद एक सिरे से खुली पाइप है, दोनों की लंबाई L है। यहां पे क्या बनेंगे, एंटीनोड बनेंगे, दोनों सिरों पे एंटीनोड, यहां खुले सिरे पे एंटीनोड बनेगा और बंद सिरे पे क्या बनेगा, नोड। तो ये वाली दूरी क्या होगी, लैम्डा बाय 2, ये वाली दूरी क्या होगी, लैम्डा बाय 4। खुली ऑर्गन पाइप एल किसके बराबर हो गया, लैम्डा बाय 2, लैम्डा इज इक्वल टू 2L, एन इज इक्वल टू क्या होता है, वी बाय लैम्डा, एन इज इक्वल टू क्या हो गया, वी बाय 2L, खुली ऑर्गन पाइप के लिए। तो कितना हो जाएगा, वी कितना है आपके पास, वी आपको कितना दे रखा है, 350, एल कितना दे रखा है, 0.5, एल है 0.5 और वी कितना दे रखा है, 350 मीटर प्रति सेकंड। एन 350 बटे 1 हर्ट्स, एन कितना आ गया, 350 हर्ट्स। बंद ऑर्गन पाइप के लिए, बंद ऑर्गन पाइप में एल किसके बराबर हो जाएगा, लैम्डा बाय 4, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4L। आवृत्ति क्या हो जाएगी, एन इज इक्वल टू वी बाय लैम्डा, वी बाय 4L, 350, 4 × 0.5, 350 बटे 2 हर्ट्ज, एन का मान कितना आ गया, 175 हर्ट्ज। बच्चों मैं डायग्राम इसलिए बनाई है, जिसने थ्योरी की वीडियो देखी होगी वो भी समझ जाएगा ये न्यूमेरिकल कितना आसान है, केवल सिंपल सूत्र की स्थापना करनी है। ये खुली आर्गन पाइप है और ये बंद आर्गन पाइप है। अगर आप लोग लगातार वीडियो देख रहे हैं बेटा और आप न्यूमेरिकल भी लगातार कर रहे हैं, तो बेटे देखो सक्सेस को तो कोई रोक नहीं सकता। जब बिगनिंग में मैंने वीडियो बनानी शुरू करी थी, मैंने नहीं सोचा था कि मैं सिलेबस कंप्लीट कर लूंगा, पर मैं लगातार लगा रहा, मैं डेली यही मेरी वो रहती थी कि कहीं जाना होता था तो एक दिन पहले क्या करता था, उस दिन की कभी जाना है बाहर आउट ऑफ स्टेशन जाना है तो पहले ही वीडियो बना के रख लेता था, जिससे मेरी वीडियो ना रुके ना। मैंने प्रत्येक दिन लगभग सभी दिन में एक दिन थ्योरी, एक दिन 12th की वीडियो और एक दिन 11th की वीडियो आपको उपलब्ध कराई। अब हम तीसरे न्यूमेरिकल पे चलते हैं, तीसरा न्यूमेरिकल। 1 मीटर लंबे खिंचे हुए स्टील के तार की मूल आवृत्ति
250 हर्ट्स है। फुल स्टॉप। स्टील का घनत्व 8000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब है। फुल स्टॉप। फर्स्ट पॉइंट, तार में अनुप्रस्थ तरंग की चाल ज्ञात कीजिए। सेकंड पॉइंट, तार में अनुदैर्ध्य प्रतिबल की गणना कीजिए। अनुदैर्ध्य प्रतिबल की गणना कीजिए। प्रश्न नंबर 3, हमारे पास एक तार है, ये तार है, ऐसे दो सिरों के बीच में क्या कर रहा है, कंपन कर रहा था, ये तार है, इसे खींच दिया तो ये कंपन मोड में आ गया। तो इसकी लंबाई कितनी है, 1.0 मीटर। इसकी आवृत्ति क्या है, मूल आवृत्ति कितनी है, 250 हर्ट्स। इसका घनत्व कितना है, रो 8000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। तो तार में अनुप्रस्थ तरंग की चाल ज्ञात करनी है, ठीक है। देखो ये कितना होगा, मूल आवृत्ति के लिए ये नोड और ये नोड, और नोड और नोड के बीच की दूरी कितनी होती है, लैम्डा बाय 2। तो यहां पे लंबाई एल किसके बराबर हो जाएगी, लैम्डा बाय 2, और लैम्डा किसके बराबर हो जाएगा, 2L, 2 × 1.0 मीटर। तो लैम्डा कितना आ गया आपका, 2 मीटर। आपके पास सूत्र होता है V = n λ। एन कितना है तुम्हारा, 250, लैम्डा कितना है, 2 मीटर प्रति सेकंड। तो V कितना आ गया, 500 मीटर प्रति सेकंड। अब आपको प्रतिबल की गणना करनी है। हमारे पास एक सूत्र होता है, V = √T/m। जब इसको खोलेंगे, T क्या हो जाएगा, mg, और ये क्या हो जाएगा, m, πr²ρ। पाई आर स्क्वायर लिखते हैं ना, V = √ तो इसे पाई आर स्क्वायर ना लिख के हम एरिया लिख देते हैं। एरिया एकांक लंबाई का है ना, ये एम क्या, एकांक लंबाई का द्रव्यमान है ना, तो क्षेत्रफल एकांक लंबाई इंटू घनत्व। तो V = क्या हो जाएगा, mg/a/ρ। ये mg/a क्या हो जाएगा आपका, प्रतिबल। प्रतिबल क्या होता है, बल बटे क्षेत्रफल बटे घनत्व। वर्क कर देते हैं, V² प्रतिबल इंटू रो, प्रतिबल V² ρ। V² का मान कितना हमारे पास, 500 × 8000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। तो ये क्या होना होगा, 500 × 500 × 8000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। तो जब सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 5×25 25×8 202 × 3 2×5 2×7 2×9 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। तो इस तरह आप किसकी गणना कर लेंगे, प्रतिबल की गणना कर लेंगे। अब हमारा लास्ट न्यूमेरिकल डॉपलर प्रभाव पे है। बच्चों हमने क्या कोशिश करी अभी शुरुआत के न्यूमेरिकल्स में, कि हमारा न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हो जाए, हमने हर एक फार्मूले को अपने न्यूमेरिकल्स में यूज करने की कोशिश करी, जो जो फार्मूले पॉसिबल थे, और साधारण न्यूमेरिकल्स को लिया है। अभी आगे जो आपकी कंपटीशन के लिए है, ऊपर अगर
ऊपर वाले की मेहरबानी रही तो वो न्यूमेरिकल्स भी, क्या आपको, क्या आप जेई की तैयारी कर रहे हो, क्या आप नीट की तैयारी कर रहे हो, उसके न्यूमेरिकल्स भी मैं आपको उपलब्ध करवाता रहूंगा। लिखो आज का लास्ट न्यूमेरिकल, फोर्थ न्यूमेरिकल। रेल का एक इंजन, रेल का एक इंजन 60 मीटर प्रति सेकेंड, 60 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से एक स्थिर चाल से एक स्थिर श्रोता के सामने से होकर गुजरता है, उसकी सीटी की वास्तविक आवृत्ति 400 हर्ट्ज है। फुल स्टॉप। श्रोता द्वारा सुनी गई आभासी आवृत्ति क्या होगी? फर्स्ट पॉइंट, जब इंजन श्रोता की ओर आ रहा है। सेकंड पॉइंट, जब इंजन श्रोता से दूर जा रहा है, जब इंजन श्रोता से दूर जा रहा है, दिया है ध्वनि की चाल 340 मीटर प्रति सेकंड है। ध्वनि की चाल 340 मीटर प्रति सेकंड है। हमारे पास एक रेल इंजन है, सोर्स है, कितना वेग है 60 मीटर प्रति सेकंड। कितनी वास्तविक आवृत्ति है हमारे पास? 400 हर्ट्ज। वेग कितना है? ध्वनि की चाल 340 मीटर प्रति सेकंड, ध्वनि की चाल है। जब ये श्रोता किसके पास आ रहा है? ऑब्जर्वर के पास आ रहा है, तो आवृत्ति क्या हो जाएगी? एन वी अपॉन वी माइनस वी एस, 400, वी कितनी है 340 माइनस 60, कितना आ गया ये एन डैश, कितना आ गया 400 गुणा 340 बटे 280। जीरो से जीरो कट गया, अब काटो दो, दो नंबर दो चौका 14 और ये 17, 7 और ये 200, मल्टीप्लाई कर लो, 486 हर्ट्ज। अब दूसरे केस में, ये तो पहला केस था हमारे पास, दूसरे केस में क्या है? अब इंजन दूर जा रहा है, जब इंजन दूर जा रहा है तो सूत्र क्या हो जाएगा? V अपॉन V प्लस वी एस, तो एन डैश कितना हो गया 400, V कितना हो गया 340
340 + 60 एंड एस कितना हो गया 400 × 300 340 / 400 तो एंड एस कितना आ गया 340 हर्ट्ज। बच्चों अभी यूनिट 9 और यूनिट 10 के आपको न्यूमेरिकल्स उपलब्ध कराए हैं, बाकी यूनिट्स के भी न्यूमेरिकल्स आपको उपलब्ध हो जाएंगे। बट एक तरह से आज सिलेबस खत्म हुआ है, ये आप लोगों का स्नेह और प्यार है जिस वजह से मैं लगातार अपने काम में लगा रहा कि आप सब्सक्राइबर भी बढ़े, वॉच आवर भी बढ़े, आपने पूरा सहयोग दिया, आप पूरी पूरी वीडियो भी देख रहे हैं कुछ बच्चे, पर कुछ बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो देख रहे हैं। बेटा प्लीज़ बेटा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आगे तो आपको, अभी तो हमने सिलेबस पूरा किया है, जिन जिन टॉपिक में डिफिकल्टी है आपको मेरे को आप क्या करेंगे, मेरी ईमेल आईडी पे मैसेज सेंड कीजिए, क्या प्रॉब्लम है, किस टॉपिक पे प्रॉब्लम है, आपको उस टॉपिक पे वीडियो जरूर उपलब्ध हो जाएगी। तो बच्चों मेरा पढ़ाना जो मैंने आज सिलेबस खत्म किया, एक तरह से सिलेबस आज खत्म हुआ है, अगर सिलेबस खत्म होने पे मेरा पढ़ाना समझ में आ रहा है, वीडियो सारी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, आइकॉन बेल जरूर दबा दें जिससे जो भी नई वीडियो आए आपको उपलब्ध होती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।